महाराष्ट्र में शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी है। वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है। किसी भी दल को बहुमत न मिलने के चलते 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं हो पाया है। बीजेपी और शिवसेना दोनों को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुला चुकी है और उनका चांस खत्म हो गया है। आज एनसीपी की बारी थी, लेकिन वह भी बहुमत की चिट्ठी नहीं दे पाई। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर फैसला लिया और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी। इस बीच शिवसेना ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जब महाराष्ट्र में किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं देखा तो उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की। हालांकि उन्होंने एनसीपी को मंगलवार रात 8:30 बजे तक बहुमत की चिट्ठी देने को कहा था, लेकिन एनसीपी को भी शाम तक समर्थन की चिट्ठी नहीं मिल पाई थी। महाराष्ट्र को लेकर सभी दलों के बीच की उठापटक को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की। इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश के बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार की आलोचना की। संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला बहुत पहले हो चुका था, लेकिन माननीय राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले आज रात 8:30 बजे तक इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इस समय सीमा को उन्होंने ही तय किया था और एनसीपी को सरकार बनाने का मौका दिया था। पहली नजर में यह अवैध और असंवैधानिक दिखता है। इधर इस मामले में शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की कि राज्यपाल के इस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें उन्होंने शिवसेना को समर्थन पत्र जमा करने के लिए 3 दिनों का समय देने से इनकार किया था। शिवसेना ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को आदेश दे कि शिवसेना को समर्थन जुटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।